हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल मल्टीपैगर वर्ल्ड तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ईवी स्टॉक के बारे में जिसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग भी देखने को मिलेगी और मार्केट में एक बड़ा सा लीडर बनता हुआ देखने को मिलेगा और यहां पर स्टॉक के जो प्राइजेस हैं ज़्यादा महंगे भी नहीं है एक के आसपास चलता हुआ देखने को मिलेगा तो स्टॉक का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा ग्रीप्स यानी कि कॉटन ग्रीप्स के नाम से या ग्रीप्स कॉटन के नाम से आपको मार्केट में स्टॉक मिल जाएगा तो गाइज़ यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको सजा देने वाला हूँ तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कॉटन ग्रीव्स जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फील्ड में एक लीडर बनकर उभर रही है और यहाँ पर पहले ये टू व्हीलर बना रहे थे खुद से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इन्होंने बहुत बड़ा मार्केट में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक तो एथर का बहुत बड़ा प्लांट है और यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक का बहुत बड़ा प्लांट है और इसका भी वैसा ही एक बहुत बड़ा प्लांट इन्होंने मैनुफेक्चर के लिए डाला हुआ है और जो थ्री व्हीलर के सेक्टर में ये नहीं थे वहाँ पर जाने के लिए इनको एक और प्लांट लगाना पड़ता एक और कंपनी इस्टेब्लिश करनी पड़ती यानी ये काम थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ता उससे अच्छा था कि जो कंपनी थ्री व्हीलर बना रही है और अच्छी बना रही है उस कंपनी को ये एक्वायर करना चाह रहे हैं और वहाँ पर वो हो भी सकती है तो इन्होंने क्या किया बेस्ट वे नाम की जो कंपनी चला रही थी थ्री व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग तो उसको इसने पूरी तरह से बाय कर लिया है 26 परसेंट का या 27 परसेंट का स्टेक रह गया था पूरी तरह से बाय नहीं कर पाए थे बट अब न्यूज़ आई है कि इन्होंने 100 परसेंट इस्टेक उसमें ले लिया है जो बचा हुआ था वो भी ले लिया है तो यहाँ पर बेस्ट वे की नाम को हटाकर सिर्फ आप उन्हें डालना है और बाकी काम नहीं करना पड़ेगा डायरेक्ट मार्केट में इनकी सेल्स भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है स्टॉक के प्राइजेस आगे चलकर आपको मल्टी रिटर्न दे सकते हैं जो ब्रोकर यहाँ पर जैसे कि आई सी सिक्योरिटी की देखी जाए तो 140 से 210 का टारगेट ये खुद बता रहे हैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात की जाए तो इस स्टॉक में आप जो हैं यहाँ पर जो मार्केट कैप 3000 करोड़ चल रहा है इसको 10000 से 20000 करोड़ तक के सफ़र करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको अगर आप होल्ड करते हैं पाँच से छः साल के लिए तो ये स्टॉक आपको यहाँ पर दस से पंद्रह नहीं बल्कि बीस गुना तक भी रिटर्न देने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है तो गाइस इसके लिए हम डिटेल में थोड़ा सा एनालाइज करेंगे इसको तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा लोगों में शेयर करें तो चलिए जानते हैं पूरी डिटेल्स में तो गाइस कॉटन गिव्स जो है वो इंजन मैन्युफैक्चर करती है इंजन एप्लीकेशंस भी बनाती है और ट्रेडिंग ऑफ पावर ट्रेलर्स इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर मैं आपको नहीं बता पाया कि ये जो साइलेंट जनरेटर होते हैं जो आपको कई कंपनीज़ या बड़ी बड़ी दुकानों के बाहर या शोरूम के बाहर देखने को मिलते होंगे साइलेंट जनरेटर तो वो मैन्युफैक्चर ये काफ़ी बड़ी तादाद में किया करते हैं यानी कि मेन वर्क उनका वही हुआ करता था और यहाँ पर स्पेयर रिलेटेड इंजन भी ये बनाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट जैसी और भी ये काम किया करते हैं और जो बोट जो सी बोट होती है या मोटर बोट आप कहें जो भी पानी में यूज़ की जाती है मोटर बोट्स उसमें लगा हुआ जो इंजन होता है वो भी ये मैन्युफैक्चर किया करते हैं जो पहले इनका मेन काम हुआ करता था अब ये पूरा फोकस यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बढ़ाना चाहते हैं बट यहाँ पर अभी भी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो जनरेट हो रही है वो इंजन से हो रही है सिक्सटी की और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ की है जहाँ से थर्टी की सेल्स आ रही है और बाकी उस चीज़ें मैंने आपको बताई वहां से ये सेवन परसेंट का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात ये है कि पहले बी टू सी यानी कि बिजनेस टू कस्टमर के साथ जो डायरेक्ट बिजनेस किया करते थे वहां से ट्वेंटी नाइन परसेंट का बिजनेस किया करते थे जो अब यहां पर डायरेक्ट बिजनेस जो कर रहे हैं कस्टमर के साथ वो बढ़ाकर यहां पर सिक्सटी फोर परसेंट कर दिया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे जियोग्राफिकली तो इंडिया से 97 परसेंट का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और अदर कंट्रीज़ से 3 परसेंट का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और यहाँ मार्केट शेयर की बात की जाए तो ग्रीव इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है वन ऑफ द टॉप प्लेयर बन चुका है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डोमेन में और यहाँ पर ये यह कितना मार्केट कवर कर रहा है एट्टी फाइव परसेंट की मोबिलिटी सेगमेंट में ये मार्केट कवर कर रहा है वॉल्यूम इतनी ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दी है और यहाँ पर जो दो मॉडल इन्होंने लॉन्च किए हैं इसी से ये अपनी पूरी वॉल्यूम को कवर कर रहे हैं एटी फाइव परसेंट ई टू डब्ल्यू और ई थ्री डब्ल्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो सिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं इनकी अक्रॉस इंडिया जहां पर यहां पर देखेंगे तो यहां पर रिसेंटली इनोग्रेटेड लार्ज ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बहुत बड़ी ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई है और एक इनका एक्सपीरियंस सेंटर है जो कि रानीपेट तमिलनाडु में है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात की जाए तो यहाँ पर इनके पास 6,500 प्लस रिटेल आउटलेट हैं और यहाँ 15,000 प्लस मैकेनिक्स काम कर रहे हैं इनके लिए और 350 प्लस डीलर्स इनके साथ टच में हैं और इन्होंने इंडिया का फर्स्ट नेशनल मल्टी ब्रांड ई एक्सपीरियंस रिटेल आउटलेट शुरू किया है ऑटोमार्ट जो कि बेंगलोर में है इनके बहुत बड़े नेशनल वाइड नेटवर्क में देखा जाए तो 400 हंड्रेड प्लस ग्रीव्स बिग रिटेल सेंटर बने हुए हैं और 6,300 थाउजेंड थ्री हंड्रेड प्लस स्मॉल स्पेयर पार्ट रिटेल आउटलेट जो कि पूरे इंडिया में बने हुए हैं कंपनी ने जो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च की है टू व्हीलर उसका नाम यहाँ पर एमपियर मैगनस ई एक्स इन्होंने रखा है और जहाँ पर इन्होंने मॉडल लॉन्च किए हैं ई टू डब्ल्यू और ई थ्री डब्ल्यू सेगमेंट यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं एक्विजिशन की जैसे कि मैंने आपसे बात कही थी कि ट्वेंटी सिक्स परसेंट का जो स्टेक इनका रह गया था पूरी तरह से नहीं ले पाए थे वो भी इन्होंने लेकर ये जो कंपनी है बेस्ट वे जो कि यहाँ पर थ्री व्हीलर बनाने वाली कंपनी थी इसमें इन्होंने अब हंड्रेड परसेंट इस्टेक कम्प्लीट कर लिया है इन्होंने जो ई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है उसकी कॉस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्री करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया है और यहाँ पर आर एंड डी में जो खर्च ये करते हैं वो अपने टोटल रेवेन्यू का वन पॉइंट फिफ्टी एट परसेंट का आर एन डी में खर्च करते हैं यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इसके फाइनेंस की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन फोर्टी वन के आसपास का यहाँ पर आपको ट्रेड देखने को मिल रहा होगा थ्री थाउजेंड टू फिफ्टी सेवन करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा स्टॉक भी काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है और बुक वैल्यू से ये ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है जो कि ठीक ठाक है और यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग 55.5 परसेंट की यहाँ पर रखी हुई है डेट कंपनी के ऊपर आपको इतना इसलिए देखने को मिलेगा जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर 300 करोड़ ईवी सेगमेंट में लगाए जा रहे हैं तो इतना पैसा ये पूरी तरह से अपने पास से नहीं लगा सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर डेट लेना पड़ा और कंपनी के पास यहाँ पर जो कैश फ्लो है वो माइनस में चला गया नेट प्रॉफिट देख सकते हैं बिज़नेस में काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है फिफ्टी करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुआ है कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ नहीं जितनी होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर उतनी ही है और यहाँ कंपनी के ऊपर एसेट के पास एसेट काफ़ी अच्छा है तो यहाँ से अगर एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो टू टेन टू या टू ट्वेंटी का आप यहाँ पर टारगेट लेकर चल सकते हैं शॉर्ट टर्म का बात की जाए तो यहाँ पर दो से तीन महीने की बात कर रहे हैं हम और अगर लॉन्ग टर्म की आप बात करें और बिजनेस की यहाँ पर जिस तरह से अपना चेंजेस कर रहे हैं बिजनेस में ई व्हीकल -वी वी जो यहाँ पर इन पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं जो बबल चल रहा है अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का तो इसमें हो सकता है ये कंपनी बहुत ज़्यादा बूम कर जाए और आपका जो रिटर्न है वो 20 से 30 गुना तक दे जाए आने वाले कुछ सालों में कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो चुकी है और यहाँ कंपनी का जो रिज़ल्ट आने वाला है वो बहुत अच्छा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कंपनी के शेयर होल्डिंग के पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं 54.81 रहा करती थी 2019 दिसंबर में की बात की जा रही है और यहाँ पर इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाकर 55.54 के आसपास यहाँ पर अभी करेंटली चल रहा है पहले इन्होंने बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था जिसका यहाँ पर देख सकते हैं कि फिफ्टी पर इधर चले गए थे प्रोमोटर्स होल्डिंग बट यहाँ पर दूसरों की होल्डिंग देखी जाए यानी कि एफ आई जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है एफ आई की होल्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं फिफ्टीन परसेंट की रहा करती थी डी की यहाँ पर फोर्टीन परसेंट की रहा करती थी जो कि यहाँ पर कम होकर थ्री पॉइंट नाइन्टी हो गई है और डी की सेवन पॉइंट सिक्सटी एट परसेंट की हो गई और पब्लिक के पास बाकी बचा हुआ होल्ड है बट यहाँ पर आप ये इससे आकलन नहीं कर सकते हैं कि यहाँ एफ आई एस की होल्डिंग कम हुई है इस वजह से यहाँ स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए ये बहुत ही गलत धारणा होती है मार्केट में बहुत से लोगों की कि यहाँ से वो काउंट uh, कर लिया करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये भी अपने टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट कम करते हैं और बढ़ाते हैं ये काम इनका भी चलता रहता है क्योंकि मार्केट में इन्हें दूसरी जगह भी इन्वेस्टमेंट करना होता है इस सेगमेंट में और भी प्लेयर्स उतरे हैं जहाँ पर इन्होंने अपना फाइनेंस जो है डायलूट किया होगा जहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे होंगे ऐसा मार्केट में चलता रहता है तो इससे आप आंकलन नहीं कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए कंपनी का बिज़नेस मॉडल देखिए वो कैसा है और बिजनेस परफॉर्म कैसा कर रहा है और आने वाले भविष्य में इसका क्या फ्यूचर हो सकता है ये सारी चीज़ें आप देखकर ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटेंसिक वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है यहाँ पर तो इंटेंसिक वैल्यू कंट्रोल में यानी कि जो रियल वैल्यू है स्टॉक की उसको थोड़ा सा रुक जाए या फिर इन्वेस्टमेंट जितना करना चाहते हैं उसका फिफ्टी परसेंट कर दें तो भी अगर स्टॉक यहाँ से वापस ऊपर की तरफ उठता है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा और यहाँ से अगर थोड़ा बहुत नीचे जाता है अंडर वैल्यूड होता है तो वहाँ पर आपको फिफ्टी परसेंट और जाल कर वहाँ पर आप एवरेज कर सकते हैं और ये स्टॉक जो है अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है डिविडेंड भी थोड़ा बहुत दिया करता है एंट्री पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है मैनिफुलेशन स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं हो रहा है एनालिस्ट की माने तो हंड्रेड एनालिस्ट का यही कहना है कि इस स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बट यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड देखा जाए तो यहाँ पर आपको ज़्यादा निराशा ही देखने को मिलेगी क्योंकि यानी फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर निराशाजनक देखने को मिल रहा है जो भी आपको पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं थाउजेंड्स में है टू थाउजेंड करोड़ की सेल्स में यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है काफ़ी ज़्यादा कम रहा है और यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट है वन सिक्सटी करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है ये भी कम हुए हैं सेल्स क्योंकि यहाँ पर गिर रही है सेल्स यहाँ पर बढ़ने की भी कोशिश की गई कि बढ़ा दी जाए तो यहाँ पर सेल्स बढ़ी भी बट यहाँ पर प्रॉफिट्स जो है प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर गिरने की वजह से प्रॉफिट्स भी थोड़े बहुत गिरे हैं बट आने वाला फ्यूचर बहुत ही अच्छा है कंपनी के लिए आप आगे का अगर फ्यूचर देखें कंपनी का तो फ्यूचर देखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इसको आप देखकर ये नहीं आँख सकते हैं कि स्टॉक मल्टी है या नहीं क्योंकि बहुत से स्टॉक आपको हमेशा नेगेटिव में ही देखने को मिलेंगे और स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा कंपनी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है आने वाले टाइम में ही ये सब कुछ जान पाएंगे इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना एनालिसिस करें और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें दोस्तों लोगों में शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तभी के लिए गुड बाय शुक्रिया धन्यवाद